लोकमत संसदीय पुरस्कार के चौथे संस्करण में पधारे हुए सम्मानित गौरवान्वित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, विजय दर्डा जी और हमारे सीनियर नेता श्री शरद पवार जी, हरिवंश नारायण जी, मुरली मनोहर जोशी जी, विनय कुमार सक्सेना जी और राजेंद्र दर्दा जी और भागवत कराड़ जी, सभी ने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी और बहुत से सुझाव भी यहाँ पर आए, लेकिन मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता। सिर्फ 4-5 मिनट में जो भी हमको समय दिया है उसी समय में मैं मेरे भाषण को समेट लूँगा। मैं चंद बातें मीडिया पर रखना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आज ये जो मीडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डेमोक्रेसी का पिलर बना है और इसको मजबूती करने के लिए सबसे पहले मैं विख्यात फ्रीडम फाइटर जवाहरलाल दर्दा जी को श्रद्धांजलि देता हूँ, जिन्होंने लोकमत नाम के जिस पौधे को लगाया वो आज विशाल वृक्ष बन गया है। 2023 का साल दर्डा जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। मैं उस जगह पे जाके आया हूँ जिस जगह वो रहते थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई और पत्रकारिता में बड़ी भूमिका निभाई। लंबे समय तक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे और जनसेवा की, कई संस्थानों बनाई। यूपीए सरकार में उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी हुआ था। मित्रों, लोकमत का गौरवशाली इतिहास है। इसका नामकरण महान सेनानी, मुझे जो जानकारी मिली है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था और इसे जवाहरलाल दर्दा जी ने नया जीवन दिया। आज ये देश के प्रमुख अखबारों में एक है। सामाजिक कामों में इसका बड़ा योगदान है। संविधान ने 3 पिलर्स बनाए, चौथा पिलर मीडिया जनता ने बनाया है और मीडिया हमारी डेमोक्रेसी का बड़ा अहम हिस्सा आज बन चुका है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में हर भारतीय नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकार की गारंटी दी है। संविधान सभा में इस पर सहमति थी कि मीडिया की स्वतंत्रता को इसी अधिकार का विस्तार माना जाए। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में भी इसी मान्यता पर मोहर लगी है। भारत में प्रिंट मीडिया का इतिहास 200 सालों से अधिक का है। पहले मीडिया के नाम पर अखबार थे, अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का दौर आया है। फिर भी प्रिंट मीडिया की हैसियत बरकरार है। और अगर मैं ये कहूँ कि अकबर इलाहाबादी ने एक बार लिखा था, खींचो न कमान कमानों को न तलवार निकालो,
जब तोप मुकाबला हो तो अखबार निकालो, ये खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबला हो तो अखबार निकालो। तो ये अखबार तोप को भी मुकाबला कर सकता है, इसीलिए इसकी अहमियत डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी है। मीडिया का एक हिस्सा आज अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए लड़ रहा है, वहीं एक हिस्सा सत्ता के आगे सरेंडर कर चुका है। आज सच लिखने और बोलने की आज़ादी पर खतरा है। पेड न्यूज़, फर्जी खबरें, टीआरपी घोटाला, सनसनी, पक्षपात और भेदभाव भरी खबरों ने उसकी छवि पर थोड़ा असर डाला है। हमारे संसदीय लोकतंत्र में सांसदों और मीडिया को सवाल पूछने का विशेषाधिकार है, लेकिन जब संसद में रखी अहम बातें प्रोसीडिंग से बाहर होने लगी, शायरी तक बाहर होने लगे, तो पीड़ा जरूर हमको होती है। मीडिया का एक तबका अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। गरीबी, रोजगारी, विषमता जैसे सवाल गायब हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एजेंडा चला रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि भारत में ऐसे तमाम महान पत्रकार हुए जिन्होंने निडर होकर फिरकापरस्त ताकतों, जातिवाद और सांप्रदायिकता का विरोध किया, लेकिन आज वो सभी कमजोर दिख रहे हैं। ये चिंता की बात है कि जिस देश में संविधान ने मीडिया को इतनी आज़ादी दी है, वह दुनिया के 180 देशों में प्रेस की आज़ादी की रैंकिंग 2022 के आंकड़े अगर निकाले तो हमारा स्थान 125 पे है, 150 पे है। यानी 180 देशों में जहां पर प्रेस की आज़ादी है तो वहां पर हमारा रैंकिंग 150 पे है। आज हेट स्पीच को मीडिया का एक तबका हवा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2022 को पूछा था कि सरकार इस पर चुप क्यों है। ये भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल घृणा भाषण की पूंजी बनाते हैं और टीवी चैनल एक मंच के तौर पर काम करते हैं। राहुल गांधी जी ने इस बात को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन मीडिया के एक तबके ने इसे नज़रअंदाज किया। हाल में रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, जिसमें मुझे अध्यक्षता करने का अवसर मिला था, लेकिन 10,000 से ज़्यादा अधिक नेता कार्यकर्ता वहां जुटे थे। उसे संसद टीवी और सरकारी प्रचार माध्यमों में एक थोड़ी सी भी जगह मुझे नहीं मिली। आज संविधान और लोकतंत्र के सामने बड़ा खतरा, और हम सभी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें मीडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात की थी 1943 को, जब वो पुणे में महादेव गोविंद रानडे के उस सेमिनार में वो गए थे, उनकी 101वीं जयंती थी, तो उसमें उन्होंने कहा भारत में पत्रकारिता कभी व्यवसाय था, आज व्यापार बन गई है। आज उनका मुख्य सिद्धांत है एक नायक चुनकर उसकी पूजा करना, उसकी छत्र छाया में समाचार पत्रों का स्थान सनसनी और विवेक सम्मत मत का विवेकहीन भावावेश ने ले लिया है। मुझे इस बात की खुशी है
कि कुछ सम्मानजनक अपवाद मौजूद है, लेकिन उनकी आवाज़ कभी सुनी नहीं जाती इस देश में। ये मैं इसलिए कहना पड़ रहा है कि बहुत से पत्रकार अच्छे हैं, लेकिन उनको भी कमज़ोर बनाया जा रहा है और उनका आर्म ट्विस्टिंग भी हो रहा है। इसीलिए ये बात कहना मुझे ज़रूरी लगा, इसीलिए किसी को इससे ठेस लगी हो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा मानना है कि इस दौर में सभी जन सच्चाई के साथ मजबूती से खड़े होंगे और मीडिया भी इस बात पर गौर करेगा। और इस मौके पर सभी पुरस्कृत साथी सांसदों को बधाई देते हुए मैं यही कहूँगा कि जो आज हमारे लोकमत के ग्रुप के जो दारदा साहब है, उन्होंने एक नई परंपरा कायम की और सभी को प्रोत्साहन देने के लिए, सभी को एक एनकरेजमेंट देने के लिए उन्होंने ये जो काम शुरू किया है, और मैं भी इस कमेटी में एक बार शामिल था। और ये चुनने में इतनी दिक्कत होती है, जैसा कि शरद पवार साहब ने कहा कि जब हम वहाँ बैठते हैं अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग विचार के लोग भी होते हैं, अलग अलग पार्टियाँ भी होती है, तो उस वक्त सामने कहना बड़ा मुश्किल होता है। किसी पार्टी का सदस्य बहुत भी अच्छा बात करता है, लेकिन चुनने वाला अगर किसी और विचार का होता है तब बड़ी मुश्किल होती है चुनने में। लेकिन ये कमाल का बात, ये कमाल की सिलेक्शन शरद पवार जी ने की कि इसलिए कि नहीं मुझे कि चुना गया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका अनुभव और आपका काम और सभी लोगों को आप देखे हैं, सुने हैं, उसी तरीके से आपने चुना है, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, दरदा साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। और ये सिलसिला आगे रखिए, चलाइए, जैसा हमारे हरिओम साहब ने एक सलाह दिया था वो भी अगर आप करेंगे तो। बहुत से ऐसे नेता लोग हैं पहले के कि वो अच्छे भाषणकार थे, सिर्फ भाषण के अलावा डिबेट में एक अच्छे ढंग से पेश आते थे, तो उनकी याद में भी ये काम करना ज़रूरी है। और इसलिए मैं आपको आखिरी में अपनी बात समाप्त करते हुए ये फिर एक बार ये दोहरा कर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।